धन्यवाद चरण महादेव। खूबसूरत मंदिर महादेव जी का दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं। तो यह है जैसमंद झील जहाँ पर दर्शन महादेव जी के किए, और अब हम चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत दृश्य। चलें, चलिए, वाह चलिए खूबसूरत। तो जैसमंद हमने आपको पूरा दिखाया, हमारी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा और इसमें भी आप खूबसूरत दृश्य देख रहे हैं भाई। आज का आधुनिक ज़माना है, आधुनिक ज़माने का पूरा उपयोग करना चाहिए। मोबाइल हमारे जेब में है, जहाँ भी जाते हैं खूबसूरत खूबसूरत आपको दृश्य दिखाते हैं। धीरे धीरे सर्दी ख़त्म हुई और गर्मी ने दी दस्तक, तो अब गर्मी आने के बाद अब लोग कह रहे थे ठंड अच्छी थी, ठंड आती है तो लोग कहते हैं गर्मी अच्छी है। सभी मौसम एक जैसे नहीं रहते हैं, मौसम तो हमेशा बदलते रहते हैं। तो अब हम भी ज़माने के साथ बदलना सीखें, प्रकृति के साथ बदलना सीखें। तो मेवाड़ की सबसे खूबसूरत सबसे सुप्रसिद्ध है, तो जैसमंद के खुंदर सुंदर दृश्य। बेहतर इधर आ जाओ, बंदर बड़े शैतान होते हैं, यहाँ के काट लेते हैं। तो अब चलते हैं हमारे गांव, खूबसूरत दृश्य आपने देखा, जैसमंद को दिखाया हमने। खूब सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं जैसमंद की सबसे सुंदर प्रसिद्ध झील को देखने के लिए आते हैं। देखिए बंदरों का खेलना, मनोरंजन पूरा आनंद है यहाँ पे। फोटो हो सेल्फी हो सभी का आनंद रहते हैं। देखें बड़े भाई अपनी बोतल के सहारे फोटो खींच रहे हैं, बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ का। तो मेवाड़ के महाराणा जी महाराणा की जय हो, राजा राज सिंह जी की जय हो, हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप की जय हो, सज्जन सिंह जी की जय हो, जय सिंह जी की जय हो, जिन्होंने सुंदर सुंदर झीलें बनवाकर हमारे मेवाड़ को अद्भुत किया है। आज भी इन झीलों का पानी पूरे शहरों में गाँव में सिंचाई के लिए जहाँ जहाँ काम आ रहा है। झील हमने देख ली है और अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो क्या क्या देखा, क्या देखा? मछली देखी, मछली देखी, देखा नाव, हाँ देखी, नाव देखी और इंसान देखे। अच्छा बंदर यहाँ देखे, यहाँ बंदर इंसान सब साथ में देखे सब। तो अब चलते हैं आगे की ओर, तो घूमने का पूरा एंजॉय और आनंद ले रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप लेते हैं सबसे अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी झील दिखाने के लिए।